नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और वेट कर रहे हैं कि आप लोगों का भी ITR रिफंड आपको मिल जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों के पास कोई नोटिफिकेशन भेजेगी, तो अब आप लोग थोड़ा सचेत हो जाइए, क्योंकि अभी आप लोगों के सामने एक नई तरीके का फ्रॉड चल रहा है जिसमें फ्रॉडस्टर आप लोगों के सामने ये मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप अपना ITR रिफंड लेने के लिए अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कीजिए, यहाँ पे आप अपने अकाउंट की डिटेल डाल सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अपने अकाउंट की डिटेल डालते हैं तो आप लोगों के बैंक से सारा पैसा तो जाएगा ही, प्लस आप लोगों की कई सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उनके पास जाकर के सेव हो सकती हैं। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा मुद्दा ये है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग अभी अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, और ऐसे बहुत से होंगे जो कि जॉब करने वाले होंगे या फिर ऐसे बहुत से सीनियर सिटीजन होंगे जो इस तरीके के मैसेजेस देख करके पैनिक करते हैं और फिर वो उनको फ्रॉडस्टर इस तरीके के लोगों को निशाना बनाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को उनके तक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आप लोगों को रिफंड देता है तो क्या प्रोसेस होती है और ये किस तरीके से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है अगर आप लोगों को रिफंड मिल रहा है। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस चीज़ की नोटिफिकेशन दी है कि ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ की PIB फैक्ट चेकर एक ऑफिशियल सरकारी कह लीजिए कि मीडिया है जो इस तरीके के फैक्ट्स को चेक करती है, जैसे कि कोई फेक न्यूज़ हो गया या फिर इस तरीके का कोई फ्रॉड चल रहे हैं, तो इसने इसका अपडेट दिया है। मैं अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने ITR का जो हाथ से भी फाइल किया है, अगर आपने CA के थ्रू फाइल किया है, तो आप कहिए कि क्या अभी रिफंड का स्टेटस क्या है, वहाँ पर आप लोगों का दिखा करके बता देगा। अगर आपने खुद से फाइल किया है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना वो स्टेटस देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन भेजती है तो वो आपके डायरेक्टली मेल पे भेजती है। अगर आप लोगों के मोबाइल पे कोई इंफॉर्मेशन आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो इंफॉर्मेशन होती है कि आपका कोई भी OTP लॉगिन करते समय या फिर आधार का ऑथेंटिकेशन करते समय, उस समय ही केवल आपके मोबाइल नंबर पे मैसेजेस आते हैं, या फिर आपने सक्सेसफुल कोई भी ITR फाइल कर दिया है तो उसके वेरिफिकेशन के लिए कुछ OTPs आती हैं, तो वो। बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं भेजती है। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों के मेल पे इस तरीके के मैसेज आए कि आप वेरीफाई कीजिए, तो आपको देखना है कि वो मेल का सोर्स क्या है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल से आया है या फिर कोई भी अलाना फलाना ढिमकाना। आप लोग अगर मेल चेक करोगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ, ये मेल फेक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि आप लोगों को कभी भी ऐसी वेबसाइट पे अपनी डिटेल नहीं डालनी है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई भी किसी के लिए भी आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो उसका पैडलॉक देख लेना, ऊपर HTTPS है कि नहीं और साथ में ये छोटा सा लॉक उसके साथ बना है कि नहीं वेब एड्रेस पे, तब जाकर के अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करना। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को सिक्योर रखोगे और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके उनको भी सिक्योर करोगे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।